उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों नागरिकता बिल को लेकर कुछ दलों ने लखनऊ, कानपुर, उन्नाव सहित कई जनपदों में शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करते हुए रोड पर उतरकर सरकारी संपत्ति को जलाकर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू है, 8 नवंबर से निरंतर चल रही है। बिना परमिशन के कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकते और प्रदर्शन के नाम पर आप हिंसा करें यह स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार की असामाजिक और अराजक गतिविधियों को कतई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्वयं भी सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ स्वयं बातचीत की और सबको आवश्यक निर्देश दिए हैं कि वे उपद्रवी तत्वों को, आम जनता को कोई परेशानी न हो, आम जन के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, लेकिन उपद्रवी तत्व जहां पर भी हो सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई भी प्रारंभ करें।